सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के प्रोजेक्ट एआर कोर के बारे में कि भाई ये जो एआर कोर है ये क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है और कौन कौन से जो स्मार्टफोन्स है वो एआर कोर को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर एआर के बारे में सुना होगा। ये एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम किसी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको मार्केट से अपने ऑफिस के लिए कोई डेस्क परचेज करनी है, लेकिन परचेज करने से पहले आप जानना चाहते हैं कि ये जो डेस्क है आपके ऑफिस में कैसी लगेगी, कितनी जगह ये कवर करने वाली है। तो ऐसे में जो एआर एप्स है वो आपकी मदद कर सकते हैं। उनकी मदद से आप वर्चुअली उस डेस्क को अपने ऑफिस में सेटअप करके देख सकते हैं और उसके बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए जो डेस्क है वो सूटेबल है या नहीं है। लेकिन एप्पल के एआर किट और गूगल के एआर कोर से पहले अगर हमें किसी भी एआर बेस्ड एप्लीकेशंस को रन करना होता था तो हमें ज़रूरत होती थी किसी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की, और यहाँ पे हम यूज़ करते थे माइक्रोसॉफ्ट के होलो लेंस या फिर गूगल के प्रोजेक्ट टेंगो को, जहाँ पे किसी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर के साथ में ये डिवाइसेस काम करते हैं और उसके बाद में हम एआर एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाते हैं। बट गाइज, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर है काफ़ी कॉस्टली होते हैं और जो नॉर्मल स्मार्टफोन यूजर्स उनके लिए पॉसिबल भी नहीं था, और गूगल चाहता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक पहुँचे। तो ऐसे में गूगल अपना प्रोजेक्ट एआर कोड लेके आया जो कि हमारे स्मार्टफोन में लगे हुए कैमरा और साथ में जो मोशन सेंसर हैं इनको यूज़ करके एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिनके अंदर जो एआर बेस्ड एप्स है वो आसानी से रन कर पाते हैं। दोस्तों, जो गूगल का एआर कोर है वो डिवाइसेज में बैकग्राउंड में रन करता है और जो एआर बेस्ड एप्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता था कि वो डिवाइसेज में अच्छे से रन कर पाए। लेकिन गाइज, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी डिवाइस को एआर कोर का सपोर्ट मिलता है तो उससे पहले डिवाइस को बहुत अच्छे से टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में ही उसे एआर कोर का सपोर्ट मिलता है। मैं आपको बता दूं कि जब किसी डिवाइस को एयर कोर का सपोर्ट मिलता है तो सबसे पहले यहाँ पे इस डिवाइस की जो कैमरा क्वालिटी है, मोशन सेंसर है, डिज़ाइन आर्किटेक्चर है और जो सीपीयू के परफॉर्मेंस है, साथ में जो कैलकुलेशंस की स्पीड वगैरह सभी को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में किसी डिवाइस को एआर कोर का सपोर्ट मिलता है। और ऐसे बहुत ही कम डिवाइस जो कि एआर कोर को सपोर्ट मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरे उस डिवाइसेस की लिस्ट दिखा रहा हूँ जो कि फिलहाल एआर कोर को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस लिस्ट में और भी जो डिवाइसेस है वो धीरे धीरे ऐड किए जा रहे हैं। सो गाइज, मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर जल्द ही आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर नई अपडेट्स के साथ में।